चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए उतरेगी आईपीएल के मेगा ऑक्शन में। धोनी, जडेजा, अली और गायकवाड़ तो पहले से ही रिटेन्ड है, लेकिन आज इस वीडियो में चेन्नई सुपर किंग्स का मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट और पांच ऑक्शन स्ट्रेटजी आपको बताएंगे इस ऑक्शन स्ट्रेटजी के तीसरे एपिसोड में, क्योंकि पहले ही हम आरसीबी और आरआर की बता चुके हैं। एंड तक वीडियो को देखिए और भाई इसी तरह की आईपीएल, चेन्नई, आरसीबी सभी टीमों से जुड़ी हुई तमाम खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पहली ऑक्शन स्ट्रेटजी जिसके अराउंड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी तैयारी कर रही है, पहली स्ट्रेटजी है द फ्यूचर स्कीपर। जी हाँ दोस्तों, आपका भविष्य में कप्तान कौन होगा। इस समय अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को उठाकर देखेंगे, इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो फर्दर इनका कैप्टन कौन होगा वही है। हालांकि रिपोर्ट्स थी दैट जडेजा विल बी द ऑप्शन, बट भाई हमें भी पता है और चेन्नई वालों को ये भली भांति पता है, धोनी को भी पता है दैट कि जडेजा एक प्रॉपर स्किपिंग विकल्प नहीं है। और इस साल या अगले साल जब चेन्नई को एक नया कप्तान चाहिए होगा तो वो कहां से आएगा, मेगा ऑक्शन से ही कप्तान आते हैं, अदरवाइज आपको छोटी मिनी ऑक्शन में कप्तान मिलते नहीं है। एंड दैट इज वाई दे आर गोइंग टू फाइंड, एंड इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा कि एक ऐसा खिलाड़ी हो जो इसी साल से या अगले साल से एक प्रॉपर कैप्टेंसी विकल्प इनको प्रोवाइड कर सके। अब आज की परिस्थिति में इनके पास दोस्तों चार ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस चीज के अराउंड घूम रहे हैं। श्रेयस अय्यर एक ऑप्शन है, ईशान किशन एक ऑप्शन है, यश ढुल जो कि रिसेंटली अंडर 19 में कैप्टेंसी कर रहे हैं वो भी एक विकल्प है, और डेविड वार्नर एक विकल्प है। तो ये तीन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर, और मुझे जहां तक लग रहा है श्रेयस अय्यर वो विकल्प होगा जिसके पीछे चेन्नई फुल ऑन जा सकती है। इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा, पहली स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा कि धोनी जैसा तो मिलेगा नहीं खैर आपको पूरी दुनिया में, बट धोनी की तरह एक कप्तानी विकल्प ढूंढा जाए, तो पहली स्ट्रेटेजी थी। दूसरी स्ट्रेटेजी जिसके अराउंड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी बिल्डिंग कर रही है, बना रहे हैं, अपने आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एमसीपी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी। जैसे ही खोलेंगे आप एमसीपी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे तो आईपीएल और क्रिकेट के हवाले से जितने भी फैक्ट न्यूज और स्टोरीज होती है ना, हम वहां पर एक एक मिनट के छोटे छोटे वीडियो फॉर्मेट में डाल रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको, देर मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, खोलिए एमसीपी शॉर्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दूसरी स्ट्रेटजी है फिनिशर। भाई देखो, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की एक यूएसपी रही है, अगर आप चेन्नई के फैन होंगे तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि सीएसके हर साल की नीलामी में एक कोशिश करती है कि एक फिनिशिंग का विकल्प। दूसरी बड़ी चीज, धोनी जो कि फिनिशिंग के पायोनियर रहे हैं, क्योंकि हमने साल 2003 से ही देखा है, जब से धोनी आए हैं उन्होंने फिनिशिंग को अपना दूसरा नाम बना लिया है, धोनी को खुद का विकल्प चाहिए और इन्हें मिल भी गया है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा विजय हजारे ट्रॉफी, शहीन मुश्ताक अली ट्रॉफी को चेन्नई के कप्तान धोनी बड़े कीनली देख रहे थे, शाहरुख खान को कीनली देख रहे थे, जो फिनिशिंग वो दे रहे थे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे धोनी। और धोनी को पता है कि T20 क्रिकेट में जब आपकी प्लेइंग 11 तैयार होती है, नंबर 5 पर, नंबर 6 पर एक खिलाड़ी शाहरुख खान जैसा हो, फिनिश कर दे सके, आपके आधे से ज्यादा काम हो जाएंगे। एंड दैट इज वाई जो सेकेंड स्ट्रेटेजी होगी, एक फिनिशर ढूंढना होगी, नीलामी में विकल्प होंगे शाहरुख खान, और मुझे लग रहा है एक हेल्दी बिडिंग यहां पर होती हुई दिखेगी। ये दूसरी स्ट्रेटेजी थी। तीसरी स्ट्रेटेजी जिसके अराउंड इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चल रही है वो है द फॉरेन बेटर। माफ कीजिए थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई, लेकिन आप स्लिप मत होना, लाइक और शेयर करके रखना, बिकॉज जो बैट्समैन है अब वो बैटर कहलाएगा पूरी दुनिया में। जी हाँ, द फॉरेन बैटर, विदेशी बल्लेबाज की जरूरत है, और ये हमने चेन्नई सुपर किंग्स की एक और स्ट्रेटेजी पिछले 5-6 सालों में देखी है, इस साल भी इनकी तीसरी स्ट्रेटेजी यही होगी, क्योंकि हर साल चाहे वो ब्रेंडन मैकुलम शुरुआती सालों में हो या फिर अभी फाफ डू प्लेसिस हो, एक ना एक विदेशी बल्लेबाज इनके पास होता ही है प्लेइंग 11 में, और ये विदेशी बल्लेबाज इस टीम को हम बोल सकते हैं फ्रेम करता है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि स्ट्रेटेजी नंबर 3 ये इसी के अराउंड होगी कि विदेशी बल्लेबाज वहां पर मौजूद हो, एंड ऑप्शंस आर वेरी 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 गुड, क्योंकि नीलामी में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी बल्लेबाज आ रहे हैं, तो दिक्कत तो इन्हें नहीं होगी, लेकिन एक अच्छा ढूंढना पड़ेगा। अब इनके हवाले से रिपोर्ट है कि ये फाफ डू प्लेसिस को वापस लेने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो फाफ डू प्लेसिस, डेविड वार्नर, डीकॉक, बेस्ट्रो, मेरे हिसाब से ये 3-4-5 विकल्प होंगे, जिनमें से किसी एक को, बेस्ट्रो को भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, किसी ना किसी एक को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जरूर लेगी और इनकी तीसरी स्ट्रेटेजी होगी। चौथी स्ट्रेटेजी जिसके अराउंड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चलेगी वो है पेस बैटरीज। दोस्तों ये रीसेंट के 5 सालों में हमने चेन्नई की टीम में बदलाव देखा है कि ये ऑलराउंडर्स से शिफ्ट होकर पेसर्स की तरफ गए हैं। उसका कारण है कि दुनिया में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की संख्या घटी है और तेज गेंदबाज, प्रॉपर तेज गेंदबाजों की संख्या बढ़ी है, और इसी के अराउंड समय के साथ जब बदलाव हुआ तो चेन्नई ने अपनी स्ट्रेटजी भी बदली। इसीलिए पिछले साल भी इनके पास 3-3 पेसर्स, अच्छे पेसर्स हुआ करते थे, शार्दुल ठाकुर थे, दीपक चहर थे, लुंगी एनगिडी थे, तो इस बार भी ये एक भारतीय पेसर और एक विदेशी पेसर तो जरूर लेने वाले हैं, और
उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि इन्होंने T20 क्रिकेट में उसकी कमी खलती हुई देखी है और उसको भरा है। जाहिर है बाकी सारी टीमें तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के पीछे जाएगी, चेन्नई तेज गेंदबाज प्रॉपर के पीछे जाएगी, क्योंकि चेन्नई को पता है कि मिल नहीं रहे तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर। तो अगर आप अच्छे तेज गेंदबाज और नीचे से अच्छे फिनिशर ले लेते हैं, आप सब कुछ कर लेंगे। तो ऑप्शन है इनके पास, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर, कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान विकल्प है। और एक चीज और बता दूं कि देखो दो चीजें ऐसी है नीलामी में दोस्तों, और ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, एक तो विदेशी बल्लेबाज और एक तेज गेंदबाज, ये दो ऐसी कम्युनिटी है, ये दो ऐसी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में नीलामी में है, और स्ट्रेटेजी नंबर 4 इसलिए सफल होगी चेन्नई की। पांचवी स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि चेन्नई इस बार कुछ बहुत बड़ा करेगी इस स्ट्रेटेजी के अराउंड, वो है बायबैक्स। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको चेन्नई ने पिन पॉइंट किया होगा। अमूमन चेन्नई की स्ट्रेटेजी इस अराउंड पर रहती है कि पुराने प्लेयर्स को रखा जाए, और इस बार भी है, तो बायबैक्स करेंगे। चेन्नई कुछ यंग खिलाड़ियों को बायबैक करने की कोशिश करेगा, बनस्पत कुछ ओल्ड प्लेयर्स के, रैना को भी बायबैक किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में मेंटरशिप के रोल में हमें रैना दिखे। तो ये दो चीजें हैं, शाई किशोर विकल्प है, सुरेश रैना, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, फाफ डुप्लेसिस, रवि अश्विन 2015 में थे इनके पास, उनको बायबैक 2015 से करने की कोशिश होगी। तो ये क्योंकि रवि अश्विन की जरूरत है इस टीम को एक प्रॉपर स्पिनर की जरूरत है, और रवि अश्विन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये मेरे हिसाब से इनकी पांचवी स्ट्रेटेजी होगी कि कुछ पुराने प्लेयर्स स्पेशली यंग प्लेयर्स रैना को भी लाया जाए, जो कि इतने यंग नहीं है, लेकिन रैना, अश्विन, और अगर आपको ठाकुर या फिर चहर में से कोई एक मिल जाए तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो ये पांचवी स्ट्रेटेजी होगी। ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपकी दोस्तों आपके हिसाब से कितने सफल होंगे चेन्नई वाले इस स्ट्रेटेजी में। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय लिखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।